हुआ। हे श्री कल्की भगवान महाराज, हे श्री कल्की भगवान महाराज, आज के सत्संग संकीर्तन का, आज के सत्संग संकीर्तन का, प्रार्थना पुकार का, प्रार्थना पुकार का, होने वाले आरती पूजन का, होने वाले आरती पूजन का, होने वाले ब्रह्मभोज भंडारे का, होने वाले ब्रह्मभोज भंडारे का, और आपने जो अपने सर्वोत्तम महामंत्र के द्वारा, जो आपने अपने सर्वोत्तम महामंत्र के द्वारा जो सामूहिक पुकार कराई है, सामूहिक पुकार कराई है, इन सबका संपूर्ण फल, सबका संपूर्ण फल हम आपके कमल रूपी श्री चरणों में, हम आपके कमल रूपी श्री चरणों में सादर समर्पित करते हैं, सादर समर्पित करते हैं। इसे आप अपने काम में लीजिए, आप अपने काम में लीजिए। कलयुग की माया समाप्त करके, कलयुग की माया समाप्त करके, सतयुग सहित प्रकट होकर, सतयुग सहित प्रकट होकर भूमि का भार उतारने की कृपा कीजिए, भूमि का भार उतारने की कृपा कीजिए। गौ ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए, गौ ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। साधु संतों की रक्षा कीजिए, साधु संतों की रक्षा कीजिए। पृथ्वी की रक्षा कीजिए, पृथ्वी की रक्षा कीजिए। देवता लोगों की रक्षा कीजिए, देवता लोगों की रक्षा कीजिए। पालना कीजिए, पालना कीजिए। राज सिंहासन पर विराजमान हो जाइए, राज सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। महासत्युग कर दीजिए, महासत्युग कर दीजिए। अपना दरबार प्रकट कीजिए, अपना दरबार प्रकट कीजिए। अपने दरबारी प्रकट कीजिए, अपने दरबारी प्रकट कीजिए। अपने भक्त प्रकट कीजिए, अपने भक्त प्रकट कीजिए। अपनी लीला प्रकट कीजिए, अपनी लीला प्रकट कीजिए। हमें शुद्ध बुद्धि दीजिए, हमें शुद्ध बुद्धि दीजिए। हमें शुद्ध भक्ति दीजिए, हमें शुद्ध भक्ति दीजिए। अपनी भुवन मोहिनी माया से बचा लीजिए, अपनी भुवन मोहिनी माया से बचा लीजिए। शीघ्र अति शीघ्र प्रकट होकर, शीघ्र अति शीघ्र प्रकट होकर वैष्णो मैया को अपनी अर्धांगिनी बना लीजिए, वैष्णो मैया को अपनी अर्धांगिनी बना लीजिए। हे श्री कल्की भगवान महाराज, हे श्री कल्की भगवान महाराज, जितने आपके भक्त हैं, जितने आपके भक्त हैं, उनकी मन बुद्धि वाणी को, उनकी मन बुद्धि वाणी को अपनी ओर लगा लीजिए, अपनी ओर लगा लीजिए। और उनसे अपना काम लीजिए, और उनसे अपना काम लीजिए। और उनको ऐसी दृष्टि दीजिए जिससे वो निर्भय होकर जीते जी आपका काम करें, जीते जी आपका काम करें। हे श्री कल्की भगवान महाराज, हे श्री कल्की भगवान महाराज, हमें आयु शक्ति एवं स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, हमें आयु शक्ति एवं स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। जीवन दान दीजिए, जीवन दान दीजिए। हम आपकी शरण हैं, हम आपकी शरण हैं। हमें अपना बना लीजिए, हमें अपना बना लीजिए। देखिए, ये जैसे मैंने प्रार्थना करी है वह वैसी आरती होने से पहले 7:30 बजे आरती होगी, फिर कराएंगे। देखिए, समर्पण बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कलयुग में जो शासन है वो कलयुग का है, कलयुग है क्योंकि कलिकाल का शासन। तो इस शासनकर्ता को, जो शासक होता है, उसे हमारे सनातन धर्म के अनुसार छठा हिस्सा जाता है। हम 6 माला करते हैं यदि, मान लीजिए, तो 1 माला उसके पास चली जाएगी, उसका पुण्य, और उस माला से वो हमें चाहेगा कि हम कल्की ना करें, और हमारे पे जो आक्रमण करेगा, जो वार करेगा, उससे हमारे पे जो 5 बची है माला, उसमें से 4 रह जाएगी, क्योंकि एक माला से टकरा कर, तो 4 माला रही, और 6 माला में से 4 माला बची और 2 माला का नुकसान। कितना नुकसान हो गया? लगभग 1/3 का है ना। तो उससे बचने के लिए हम भगवान के चरणों में जो भी फल भगवान की कृपा से ही हुआ है, जो भी हमने नाम जपा है सामूहिक रूप से, उसका फल हमने भगवान के चरणों में ही भेंट कर दिया है। तो हम पे कुछ बचा नहीं, तो हमसे क्या लेगा? ले तो उनसे ले ले, टकरा ले। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड आएगा, भी मैंने बताया था ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 1000 बार कलयुग का नाश करते हैं कल्की जी, तो उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। वो तो सिर्फ हम लोगों को कल्की जी में अपने में लगाने के लिए मौका दे रहे हैं। कलयुग का नाश तो वो संकल्प कर चुके, जैसे अर्जुन को दिखाया था ना भगवान ने विराट स्वरूप, तो उसमें उन्होंने दिखा दिया, तो तू मारने वाला बन तो बन, तू निमित्त बनता है जय कल्की जय जगतपते करने का, तो कर ले, नहीं तो ये तो सब गए हुए हैं मेरे काल के गाल में। उन्होंने तो सॉरी, 18 की 18 क्षोणी सेना उनके मुख में जा रही है। तो ये तो होना है। 7 दीप नवखंड में दमके कल्की नाम की उजियारी, और अखंड भूमंडल के राजा निष्कलंक संकटहारी, ये तो होना ही है। हमें गोवर्धन पर्वत पे लाठी लगानी है, पर्वत तो उनकी उंगली में ही उठना है, भूमि भार तो भगवान कल्की उतारेंगे। हमें श्रेय देना चाह रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जय कल्की जय जगतपते करें, जो युगों युगों से हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति को उजाले, उनकी और अधिक कृपा के पात्र बने, इसलिए वो मौका दे रहे हैं हमें। कभी भी, अब पता है आपको कितना एटम बम, हाइड्रोजन बम बना हुआ है पृथ्वी पे? बताइए, कोई बता सकता है कितना जखीरा है हमारी पृथ्वी पे, पृथ्वी को ध्वंस करने के लिए? मैंने बहुत पहले पढ़ा था धर्मयुग में, पहले धर्मयुग एक पत्रिका आती थी हिंदुस्तान वालों की, उसमें लिखा था तब बहुत पहले कि हमारे पास परमाणु बमों का, हाइड्रोजन बमों का इतना जखीरा है कि एक के ऊपर एक 32 पृथ्वी रख दी जाए तो वो सब धू धू करके स्वाहा हो सकती है। हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम बने थे, जिससे
दोनों शहर तबाह हुए थे, आज भी संतति वहाँ अगर होती है तो अपंग होती है। ऐसी स्थिति से चारों गुना आगे निकल चुका है और उसमें हमें भगवान कैसे बचाएंगे, ये कथा मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। एक भजन सुना रहा हूँ, फिर उसके बाद ये बच्चे गाएंगे और फिर मैं जब आप लोग कहेंगे तब आगे सुनाऊंगा। एक भजन